फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हम साइंस की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस का जो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है विटामिन्स। विटामिन्स को करने से पहले आपके अकाउंटेंसी की सीरीज़ के जो है वो अभी कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स, सोशल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, IFMS, PFMS, ये छोटे छोटे टॉपिक्स को जिनके MCQs सीरीज में लाऊंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स को कुछ जानने से पहले एमसीक्यूज करने से पहले हम कुछ विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं। अब विटामिन्स क्या होता है? एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं न्यूट्रेंट होते हैं, जो न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हमें लेने पड़ते हैं, तो वो विटामिन मेटाबॉलिक रेगुलेट करते हैं हमारा। डू नॉट गेट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, इट मीन्स कि इन ये जिस शेप जिस भी फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। आवर बॉडी डिडंट नीड टू डाइजेस्ट विटामिन। ओके, थर्ड वन इज माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट का मतलब होता है रिक्वायर्ड इन स्मॉल पोर्शन। ओके, नेक्स्ट इज, अब दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल को फैट सोल्यूबल कहते हैं। वाटर सोल्यूबल आते हैं BCPP, मोस्टली BCPP, और वाटर इनसोल्यूबल KEDA। आपको ये पता होगा भी खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होता है, जब इसको हम बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे तो ये हार्मलेस होगा, उतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर वहीं हम इन फैट सॉल्युबल विटामिन को थोड़ा ज़्यादा इनटेक कर लें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लिए। अब विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? क्रिसमैन फंक इन द ईयर 1912। ओके, नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कुछ विटामिन्स। अब विटामिन ए है, केमिकल नेम रेटिनोल है, पता होना चाहिए। कहाँ पे बनता है? एनिमल बॉडी के अंदर बनता है। ठीक, अब इसके सोर्स पता होने चाहिए आपको, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल। ठीक, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। ओके, फंक्शन फॉर बेटर आई परफॉर्मेंसेस, डेफिशिएंसी डिजीज, क्या आइज के लिए बहुत जरूरी होते हैं? कौन सा? विटामिन ए। डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, जेम्फेलिया, जीरो ऑप्थेलमिया। ठीक, ये कुछ डिजीज हैं जो विटामिन ए से होती। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी का तो केमिकल नेम इतनी बार SSC पूछ चुका है, अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड्स, कहाँ सोर्स के? स्ट्रेस फूड, आमला, लेमन। ओके, और डेफिशिएंसी डिजीज, सकरवी। सिम्टम्स क्या है? पेन एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। फंक्शन, इम्यूनिटी एंड गम केयर। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन या फिर विटामिन ऑफ बोन्स। ओके, केमिकल नेम कैल्सिफिरोल, डेली रिक्वायर्ड हमें होती है। यूवी रेज के अलावा कहाँ से मिलता है? मिल्क एंड एग से। कौन सी ये क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक, डेफिशिएंसी डिजीज अब कौन कौन सी होती है? इससे होती है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब ड्राइनेस इन बोन्स, रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है। ठीक, ऑस्ट्रोमलेशिया होती है, मसल्स और बोन की वीकनेस, जॉइंट पेन्स जो होती है। और एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की डिक्रीज कर देती है और फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन की। ठीक, क्या होता है? बोन डायनेस्टी और स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। अब आता है विटामिन ए। विटामिन ई क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक, विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट है और विटामिन ई रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है ना। केमिकल नेम टोकोफिरोल, ब्यूटी विटामिन। ठीक, सोर्स क्या है? स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट, फिश, एलोवेरा, आमंड्स। किसमें हेल्प करता है? स्किन ग्लो में इंक्रीज करता है। किसको? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? इनफर्टिलिटी का कॉज करता है, हेयर लॉस कॉज करता है, मसल में वीकनेस कॉज करता है। अब
केमिकल नेम किसका, विटामिन के का, फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनिन है ठीक है। एंटी हार्मोनिक बोलते हैं, मतलब विटामिन ए किस लिए रिक्वायर्ड होता है हमें हमारी बॉडी को, सबको पता होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड ठीक। जब कट वगैरह लग जाता है तो विटामिन के जो है वो यूज होता है। अब विटामिन के की प्रेजेंस में कौन सा प्रोटीन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन ठीक, ये याद रखना। हीमोफिलिया, इसकी डिजीज हीमोफीलिया है जो कोगुलेट होती है, 24 आवर्स तक कोगुलेट नहीं होती है, जेनेटिक डिजीज है और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं मिला है। अब विटामिन पी है, क्या नाम है, हेस्परिडिन, कहाँ से मिलता है, ड्राई फ्रूट स्पॉट से, क्या करता है, हेल्प इंटरकैपिलरी रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करता है और ये डेंजर इंटरनल ब्लीडिंग का भी काम करता है विटामिन पी ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे कौन सा, विटामिन बी का ठीक है। क्या कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, कहा जाता है पहला थायमिन, डिजीज कॉज करती है बेरी बेरी ठीक, बी टू को राइबोफ्लेविन, डिजीज कॉज चेलियोसिस या फिर एरिबोफ्लेविसिस ठीक। थर्ड बी थी नियासिन या फिर नियासिनमाइड ठीक, डिजीज कॉज प्लेजरा ठीक। नेक्स्ट इज विटामिन बी फाइव पेंथोनिक एसिड, डिजीज पेरिस्थीसिया। विटामिन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन, डिजीज कॉज एनीमिया ठीक, पेरिफेरल नैनोपैथी ठीक, न्यूरोपैथी सॉरी। बी सेवन बायोटिन, डिजीज डर्मेटाइटिस एंटिटीज। बी नाइन फॉलिक एसिड, क्या कॉज करती है, डायसेंट्री या एनीमिया। तो क्या काज करती है, इसको क्या पढ़ते हैं, कोबा साइनोकोबा एमाइन पढ़ते हैं, सॉरी एलाइन लिखा है, एमाइन पढ़ते हैं। डिजीज मेगोब्लास्टिक एनीमिया, तो तीन डिजीज हैं जो हमारी एनीमिया कॉज करती हैं, दैट इज बी सिक्स बी नाइन एंड बी ट्वेल्व। बट आपको ध्यान रखना है कौन सी वाली क्या कॉज करती है ठीक। अब कुछ नाम जो हमने पढ़े, देखो विटामिन ए का नाम रेटिनोल याद होना चाहिए, सॉरी रेटिनोल। बी वन का थायामीन, बी टू राइबोफ्लेविन, बी फाइव पेंटोनिक एसिड, बी सिक्स पायरोडॉक्सिन ठीक, बी थ्री नियासिन और नियोकटीन, बी सेवन बायोटिन, बी नाइन फॉलिक एसिड, बी ट्वेल्व कोबाल्मिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, बी विटामिन डी कैल्सीफिरोल, विटामिन ई टोकोफिरोल, विटामिन के फाइटोमेनोडिन। अब इसको विटामिन ई का और एक नाम था क्या, फाइलोगोनिन है ना, तो ये भी करना है। चलें अब एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर, अब कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, ए फैट सोलबल, बी वाटर सोलबल, सी बोथ ए एंड बी, तीन नाम था वो अभी आपने पढ़ा, फैट सोलबल भी होते हैं वाटर सोलबल भी होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। फैट सोलबल विटामिन आर, अब आपको बताना है इनमें से फैट सोलबल विटामिन कौन सा, विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई ऑल ऑफ द। फैट सोलबल विटामिन का क्या बोला मैंने, कीड़ा ठीक, तो ए भी है डी भी है और ई भी है, तो ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, अब आपको बताना है नियासिन किस केमिकल विटामिन का, विटामिन बी थ्री बी वन बी टू सी, किसका नाम है, बी थ्री का। नेक्स्ट नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्लेजरा डिजीज, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो प्लेजरा डिजीज से हमें बचाता है, ए बी फाइव विटामिन बी बी विटामिन सेवन बी सेवन सी विटामिन बी थ्री डी नाइन ऑफ द एबव, कौन सा बचाता है, विटामिन बी फाइव। नेक्स्ट रेटिनोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, अब आपको बताना है रेटिनोल कौन से किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है, ए विटामिन ई बी विटामिन डी सी विटामिन के डी विटामिन सी, तो किसका है, विटामिन ए का। नेक्स्ट विटामिन सी इज प्रेजेंट, अब आपको बताना है इनमें से विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है, ए टोमेटोज बी पपाया सी गावा डी ऑल ऑफ द एबो, किस में होता है, ऑल ऑफ द एबो। अब विटामिन को कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, 1910 1912 1922 1927, किस ईयर में किया था, 20
1912 में किसने किया था? फंक। ठीक, नेक्स्ट, लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। अब लीवर का जो डैमेज होता है वो कौन से विटामिन के ओवरडोज से होता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन B3, डी विटामिन D। तो किससे होता है? विटामिन B3 से। ठीक, नेम ए सब्सटेंस दैट मेक्स विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। आपको ऐसा कोई सब्सटेंस बताओ जो विटामिन को मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव बना दे। ऑप्शन इज ए एंटी विटामिन बी, एंटी ऑक्सीडेंट सी, साइनोकोबालामाइन टी, राइबोफ्लाविसिस। अब आपको पता है इनमें से ए, ये तो B12 का नाम है, ये जो है ये एक डिजीज है और एंटी ऑक्सीडेंट्स तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा? एंटी विटामिन। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर ब्रेन। हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन बहुत जरूरी है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B9, सी विटामिन 12, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा जरूरी है? आपको पता है इन तीन चीजों का रिलेशन मैंने आपको अभी बताया, क्या तीनों क्या कॉज करती है? एनीमिया। ठीक, तो तीनों की तीनों जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है। अभी फैट सोल्यूबल कौन सा पड़ा? कीड़ा है ना, पड़ा ना। तो विटामिन डी तो है फैट सोल्यूबल, ये तो नहीं होगा। विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज बेरी बेरी। आपको बताना है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन B2, सी विटामिन B6, डी विटामिन B1। तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? B1 की डेफिशिएंसी से। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। अब आपको बताना है नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ए प्लेजरा, बी रिकेट्स, सी सकर्वी, डी पेरिनियोकस एनीमिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है नियासिन से? प्लेजरा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। आपको बताना है इनमें से कौन सा कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है? ए रेटिनोल, बी पेंथोनिक एसिड, सी पाइरोडॉक्सिन, डी रेटिनोइक एसिड। आपको बताना है इनमें से कौन सा कोएंजाइम ए का है, तो कौन सा आता है? पेंथोथाइक एसिड। ठीक, मेगोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब आपको बताना है मेगोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो कौन किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? ठीक, पहला है कोबालाइन, पाइरोडॉक्सिन, नियासिन और फॉलिक एसिड। तो कोबालाइन का आएगा B12, B6, नियासिन इज B3 ना, फॉलिक एसिड इज B9। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है क्या होता है? मेगोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालामिन। अभी आ गया आपसे, तो अभी पढ़ा हमने विटामिन B12 को कहा जाता है। माउंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। अब आपको बताना है इनमें से एस्कॉर्बिक एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो ठीक है। इट कैन हैव सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, नहीं, क्योंकि विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ओके, इन्वॉल्व इन हाइड्रोलेशन ऑफ पोरल एंड लिसिस रिडक्शन ऑफ क्लोजन। बिल्कुल, हाइड्रोक्सीलेशन करता है ये किसकी? प्रोलिल एंड लाइसिल की, क्लोजन को रिड्यूस करने के लिए। सॉरी, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। शोज एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बिल्कुल। तो क्या आएगा इसका आंसर? कौन सा इनकरेक्ट है? इट कांट बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन हैज कोएंजाइम, ट्रू और फॉल्स। सब के सब फैट सोल्यूबल जो होते हैं उनका एक कोएंजाइम होता है, ये ठीक है गलत है? गलत है। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच फंक्शन एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट।
ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के साथ साथ विजुअल पिगमेंट भी फंक्शन करता है? तो कौन सा है? ए थायमिन, बी राइबोफ्लाविन, सी रेटिनोल, डी फॉलिक एसिड। तो कौन सा है? रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज हार्मोन प्रिकर्सर। अब आपको बताना है इनमें से हार्मोन प्रिकर्सर की तरह कौन सा विटामिन यूज होता है। ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो कौन सा होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ए विटामिन ई, बी विटामिन डी, सी सॉरी बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी फॉलिक एसिड। तो आपको बताना है कौन सा करता है? विटामिन के। नेम द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के विच इज यूज्ड एन एंटीकोगुलेंट। आपको बताना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है विटामिन के का जो एंटीकोगुलेंट की तरह यूज होता है। ए वारफेरिन, बी टोकोफिरोल, सी इग्रोकैल्सिफेरोल, बी बीटा कैरोटीन। तो कौन सा होता है? सॉरी वारफेरिन। ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है विटामिन का, ये यूज होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना मेरे लिए, वो बड़ा सिंपल है और आसान है। आपको मुझे बताना है B6, P9 एंड B12, इन तीन की डिजीज। ठीक, थैंक यू।